ग्रेट 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 जयकांत जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मूव कीजिए बॉडी को। यस 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 मनोज सिंह, फैंटास्टिक, ऑसम ऑसम। मूव करेंगे बॉडी को, आप लोग जंप कर सकते हैं। वेरी गुड, यस, जंप करेंगे, जंप, यस यस, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट आशुतोष सर, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, फैंटास्टिक। जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, यू कैन सिट, बैठ सकते हैं आप लोग। ऑल राइट, कितने लोग हैं जो आज का हमारा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं? पहली बार आपको कहीं से पता चला और आप आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, लिखेंगे आई। हाउ मेनी ऑफ यू जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेशन को, लिखेंगे आई, सो दैट मुझे समझ आ जाए कि कोई न्यू पर्सन भी आज हमारे सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। ऑल राइट, सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, यस पूजा मस्के, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेल्फ केयर ट्रेनिंग टू हेल्प यू फील गुड ड्यूरिंग COVID-19 लॉकडाउन। राइट, आपके लिए दोस्तों आज मैं कुछ टेक्निक्स लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद की सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, खुद की देखभाल कैसे कर सकते हैं। राइट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, अमेजिंग टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों अभी जो पीरियड चल रहा है उस हिसाब से ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। राइट, सो मैं चाहूंगी जितने भी लोग आज न्यू आए हैं और पहले से काफी दिनों से अटेंड कर रहे हैं, आप अपने पास डायरी और पेन निकाल के रखिए। राइट, क्योंकि काफी सारे नोट्स आपको बनाने होंगे यहाँ पे और काफी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, तो जल्दी से डायरी और पेन निकाल लीजिए। कम ऑन, डायरी और पेन निकाल लीजिए, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है सेल्फ केयर, सेल्फ केयर का मतलब होता है खुद की देखभाल। अगर आसान शब्द में कहा जाए तो खुद की देखभाल मतलब कि सेल्फ केयर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन ये काफी डीप टॉपिक है, और आज मैंने जो आपके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स लेकर आए हैं बहुत ही शानदार है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप खुद की देखभाल कैसे कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी जो दौर चल रहा है काफी सारे लोग अपनी जिंदगी से परेशान है। राइट, और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया था, 1st of September से हमारे ये सेशंस चल रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि लोग घर पे हैं, काफी सारे लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, हेल्थ में भी काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोग। राइट, सो मैंने चाहा कि आप लोगों की मैं किसी ना किसी वजह से मदद कर सकती हूँ, तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है खास तौर से आप लोगों के लिए मैं सेल्फ केयर का टॉपिक इसीलिए लाई हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में आपको ये ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। राइट, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को, एग्री करते हैं? राइट, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर आई हूं, तो दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए जो भी मैं आपको बता रही हूं, थैंक यू सो मच। राइट, सो दोस्तों सेल्फ केयर का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, सेल्फ केयर इज नथिंग बट सेल्फ नरिशमेंट। राइट, खुद को नरिश करना, एंड दैट इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब कि हम किस तरह से खुद की देखभाल कर रहे हैं, और सेल्फ केयर के काफी सारे टाइप्स होते हैं, सेल्फ केयर क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और आप अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों के रिलेटेड आज मैं आपको दोस्तों इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। ऑलराइट, तो आज हम इस सेशन में 3 चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला है बॉडी, सेकेंड माइंड, थर्ड सोल। माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है,
तीन पिलर्स, तो आप क्या कर सकते हैं डायरी में ऐसा एक पिरामिड बना सकते हैं माइंड बॉडी एंड सोल का, ठीक है। क्योंकि आज हम जो केयर करना सीख रहे हैं, बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं हम लोग वो आज हम सीखेंगे, माइंड की केयर कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, एंड देन सोल की। तो आप इस तरह से पिरामिड बना सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे माइंड बॉडी एंड सोल, क्योंकि आज हम तीनों के ऊपर काम करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज ये है कि आपको आज जो मैं मेडिटेशन करवाऊंगी वो आपको बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों वो मेडिटेशन मैं अपने पेड प्रोग्राम्स में करवाती हूँ, जो आप लोगों के लिए आज मैं एज अ गिफ्ट के रूप में लेकर आई हूँ, राइट। जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी केयर एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं, खास तौर से अपनी बॉडी की और साथ ही साथ माइंड की। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ केयर मीन्स नोइंग हु यू आर एंड योर लिमिट्स। मतलब कि दोस्तों सेल्फ केयर का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिए, कि आप एग्जैक्टली कौन है और आपकी लिमिट्स क्या है, राइट। अगर आपको सेल्फ केयर करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि आप कौन हैं। आप में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है इस दुनिया में, आपका पर्पस क्या है, क्या करने के लिए आप आए हैं यहाँ पे, राइट। तो जब हम सेल्फ केयर करना शुरू करते हैं तो सबसे खास बात ये होती है कि आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं। यस दोस्तों, जब मुझे पता चला था कि हमें खुद की सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी होता है, खुद की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तब से लेकर आज तक तीन चीजों के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, माइंड बॉडी एंड सोल, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, राइट। ये तीनों पिलर के ऊपर जब हम काम करते हैं दोस्तों तो आप अपने आप के बारे में बहुत हद तक जानना शुरू कर देता है और आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका इस दुनिया में रहना कितना ज्यादा जरूरी है। मतलब कि आपकी वैल्यू खुद के नजरों में बहुत हद तक बढ़ जाती है दोस्तों, राइट। इसीलिए आपको सेल्फ केयर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्फ केयर एनकरेज यू टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योरसेल्फ सो दैट यू कैन ट्रांसमिट द गुड फीलिंग्स टू अदर्स। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप दूसरों की देखभाल कर पाएंगे? Definitely not, right? तो अगर आप किसी और की देखभाल करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको खुद की देखभाल करना शुरू करना होगा, राइट। और खुद की देखभाल करना आप तभी शुरू कर सकते हैं जब आप खुद का रिलेशन खुद के साथ बहुत ही बेहतरीन बना सको, राइट। बट वो कैसे बनाना है आज हम जानेंगे, कुछ एक्टिविटीज मैं आपको करवाने वाली हूँ दोस्तों, बिकॉज आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज मैं करवाती हूँ, कुछ मेडिटेशन करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल रिजल्ट आ पाए, राइट। सो सेल्फ केयर एनकरेज यू टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योरसेल्फ सो दैट यू कैन ट्रांसमिट द गुड फीलिंग्स टू अदर्स। दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जब आप खुद की सेल्फ केयर करना शुरू कर देते हैं, खुद की केयर करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप आपकी जो फीलिंग्स है वो खुद के बारे में ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लगती है, राइट। आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको खुद का बहुत गुस्सा आता है, राइट, काफी सारे लोग होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पे कितने लोग हैं, सच सच बताइएगा, कि जिन लोगों को खुद का बहुत बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है या फिर खुद से बहुत चिढ़ जाते हैं, लिखेंगे आए, सच सच बताएंगे आप लोग? यस, दुर्गा, जयकांत, सुरेखा, काजल, हिया, जयकांत, यस यस, निसर्ग, प्रतीक्षा, आईफोन, यस, प्रवश्या, नितिन, ऑल राइट, गणेश, श्लोक, सुरेंद्र, सो मेनी पीपल, राइट। आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो दोस्तों इससे ये साबित हो रहा है कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि हम जो भी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं और अभी जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, काफी सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वो चैलेंजेस हो सकता है कि आप हेल्थ के रिलेटेड फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस हो सकता है कि आप पैसों के रिलेटेड फेस कर रहे हैं, या फिर आप अपने रिलेशंस को लेकर फेस कर रहे हैं, करियर को लेकर आपको बहुत टेंशन आ रहा होगा। तो जाने अनजाने में आप
कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं और उस वजह से आप अपने ऊपर गुस्सा कर देते हैं, राइट? जाने अनजाने में आप कभी ना कभी कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिसका आपको होश ही नहीं रहता है। या सुनो, am I right? Of course. तो दोस्तों, इससे मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ कि आज जो सेल्फ केयर के टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इससे आप ये सीखेंगे, सबसे पहला स्टेप आप सीखेंगे कि आप खुद के साथ बेटर रिलेशन कैसे बना सकते हैं। राइट दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद का रिलेशन, खुद के साथ बेहतर बनाना। जितना ज्यादा आप खुद का रिलेशन खुद के साथ बेहतर बनाते हैं, उतने ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आपको आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये COVID-19 ये लॉकडाउन शुरू होने का था, उसके पहले हमारे काफी बड़े बड़े वर्कशॉप्स हो चुके हैं। टॉपिक का नाम है लव योर लाइफ, ठीक है, लव यू जिंदगी के ऊपर हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, लव योर लाइफ के ऊपर, जिसमें मैं पर्सनली सिखाती हूँ कि इंसान जो है, मतलब आप जो है, आप खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी केयर आप कैसे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी से कैसे प्यार कर सकते हैं। तो उसके ही कुछ कॉन्टेंट्स आज मैं आपको दे रही हूँ। तो ध्यान से बैठिए, स्ट्रेट बैठिए और एक्साइटमेंट के साथ आज के सेशन को हम अटेंड करते हैं। मैं चाहूंगी अपने आप को हाई फाइव देंगे और बोलेंगे यस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। एवरीबॉडी कम ऑन, यस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। बोलेंगे तीन बार, यस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, यस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो दोस्तों, पूरी तरह से फोकस बना के रखिए। सो यहाँ पर हमने जाना कि हमारा रिलेशन खुद के साथ बेहतर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आपका रिलेशन खुद के साथ बेस्ट होने लगता है, बेहतर बनने लगता है, तो आपके रिलेशन औरों के साथ भी बहुत ही अमेजिंग होने लगता है। दोस्तों, अभी कुछ ही देर में मैं आपको एक बहुत ही ग्रेट न्यूज सुनाने वाली हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहिए आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुड सेल्फ केयर डेफिनेशन इज रेगुलरली डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ दैट मेक्स यू हैप्पी एंड गुड। मतलब कि दोस्तों, आपको अपने लाइफ में, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, राइट? आप हो सकता है कोई गेम खेल सकते हैं, या फिर जिस चीज से भी आपको खुशी मिलती हो और आपको ऐसा लगता है कि यार वाओ, यार मजा आ गया, तो वो चीज आपको करनी ही चाहिए। दोस्तों, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मेडिटेशन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, राइट? जिससे मुझे खुशी मिलती है। दूसरा, जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। अब शॉपिंग तो हम लोग रोज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ऐसी चीजें आपको लिखना है दोस्तों, जो आप रोजाना कर सकते हैं, या फिर एक महीने में एक बार तो भी एटलीस्ट कर सकते हैं, राइट दोस्तों? क्योंकि ये करने से क्या होता है, आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुद की केयर कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप जिस भी इंसान से बहुत प्यार करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ ऐसा करें जो उन्हें पसंद है, यस और नो, राइट? तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इसीलिए यहाँ पर आपको मैं एक टेक्निक बता रही हूँ कि आपको वो चीजों के लिए समय निकालना होगा जो करने में आप लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो आप लोगों को उसकी लिस्ट बनाना है, ऐसा तो क्या क्या है जिस वजह से मुझे खुशी मिलती है, और वो करना आपको शुरू करना है, राइट? सो चलिए, अभी हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। आपके पास डायरी और पेन है, आप फटाफट से लिखिए। ऐसी 5 से 10 चीजें आपको बहुत फास्ट लिखना है कि आपको क्या करने में आनंद आता है। हो सकता है कि जैसे ये ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? आपको मेडिटेशन करने में आनंद आता है, फिजिकल एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में मजा आता है आपको। तो ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बनाइए, या फिर 5 चीजों की लिस्ट बनाइए जिसमें आपको बहुत मजा आता है, ओके? आप टाइम लीजिए, लिखिए प्रॉपर तरीके से, सभी को लिखना है, एवरीवन।
एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको वो चीजों की लिस्ट बनाना है जो करने में आपको मजा आता है। कोई भी चीज हो सकती है, कोई गेम्स खेलने में आपको बहुत मजा आता होगा, फ्रेंड्स से बात करने में आपको मजा आता होगा, जो भी चीजें हैं उसके आपको लिस्ट बनाना है। वन मिनट लेफ्ट, जल्दी से लिखेंगे आप लोग। ऑलराइट, काफी सारे लोगों का हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन यू प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ओके ध्यान से सुनिएगा, व्हेन यू प्रैक्टिस सेल्फ केयर यू इम्प्रूव योर बोथ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। यस दोस्तों, जब आप खुद की केयर करना शुरू कर देते हैं तो आप दोनों में भी बदलाव देखते हैं, तो फिजिकली और इमोशनली हेल्थ, आपकी दो तरह की हेल्थ होती है दोस्तों, फिजिकल एंड इमोशनल। इमोशनल लेवल पे जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आता है, तो दोस्तों अगर आप सेल्फ केयर करना सीख जाते हैं तो आप इमोशंस पे भी कंट्रोल लाना सीख जाएंगे। यस दोस्तों, ये बहुत बड़ा फायदा है इसका, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना आप सीख जाते हैं, और आपके कोई भी एरिया में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो आप उसे बेटर तरीके से पोजीशन करना सीखते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दोस्तों अब जानते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई सेल्फ केयर इज इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जाना कि सेल्फ केयर क्या होता है, अभी हम जान रहे हैं सेल्फ केयर करना क्यों जरूरी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन फिर से बता रही हूँ, यू कैन नॉट गिव टू अदर्स वॉट यू डोंट हैव योर सेल्फ। मतलब कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप अगर खुद की केयर करना नहीं सीखते हैं तो आप औरों की केयर कर ही नहीं सकते, डैम श्योर। ये तो ऐसी बात होगी कि आपको मान के चलो आपको कोई इंसान पूछने आ रहा है कि भाई साहब मुझे सिखाएंगे कि आप 10 लाख रुपए कैसे कमाते हैं, और आप खुद 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप कैसे सिखा पाएंगे, यस और नो, राइट। वैसे ही आप अगर खुद की केयर करना नहीं जानते हैं तो आप किसी और को बिल्कुल भी नहीं सिखा सकते हैं खुद की केयर कैसे करना, और आप दूसरों की भी केयर कभी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स की केयर करना चाहते हैं, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनकी केयर प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको खुद की केयर करना सीखना होगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। खुद की केयर करना सीखना होगा, बट कैसे करना है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो दोस्तों, हाउ टू डू सेल्फ केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डू सेल्फ केयर, मतलब कि आप खुद की केयर कैसे कर सकते हैं। फीड योर बॉडी माइंड एंड सोल, मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको अपने बॉडी में, अपने माइंड के लिए और अपने सोल के लिए कुछ ना कुछ चीजें हर रोज फीड करना होगा, और इसी के रिलेटेड अभी मैं आपको एक मेडिटेशन करवाने वाली हूँ आपके बॉडी के रिलेटेड, अमेजिंग मेडिटेशन। उसमें आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है जो भी आपको बॉडी के पार्ट्स मिले हुए हैं और जो भी सारी चीजें मिली हुई है, तो आप जानेंगे वो मेडिटेशन अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप जानेंगे कि सीरियसली आपको जो बॉडी मिली है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है दोस्तों, राइट। मैं चाहूंगी कि आप जहां पर भी बैठे हैं हो सके तो अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, कंफर्टेबल बैठ जाइए। लाइट ऑफ अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कंफर्टेबल बैठिए, राइट। लाइट्स अगर ऑफ करते हैं, डिम लाइट लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग मेडिटेशन कर पाएंगे, ओके। मैं चाहती हूँ कि पूरा फोकस के साथ आप इस मेडिटेशन को परफॉर्म करें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स आए।
दोस्तों ये जो मेडिटेशन है ये जनरली मैं पेड प्रोग्राम्स में करवाती हूँ, फिर से बता रही हूँ, बट आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि आज ये मेडिटेशन करवाओ, तो सभी लोग प्रॉपरली कीजिए तब जाके ही रिजल्ट आएगा। कुछ लोग मैंने देखा है सिर्फ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्या देखते हैं पता नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा, राइट? मेडिटेशन करने की चीज है दोस्तों, देखने की चीज नहीं है, ठीक है? मेडिटेशन के लिए लाइट ऑफ करना चाहिए, हाँ करते हैं तो अच्छे से होगा, वही बता रही हूँ, ठीक है? बैठ जाइए कंफर्टेबल, एकदम रिलैक्स होके बैठना है आपको, आप चाहे तो टिककर भी बैठ सकते हैं, सोना नहीं है बस, है ना, टिककर बैठ सकते हैं कंफर्टेबल। चलिए शुरू करते हैं, एक लंबी और गहरी सांसें लेना है आपको। सांसों को बाहर निकालते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद होने दीजिए। अपनी दोनों आंखों को उसी तरह से कोमलता से बंद रखते हुए आपका पूरा ध्यान आपके सांसों पे है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके सांसों पे ही रखिए। जब हम किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं दोस्तों, तो वो ना ही फ्यूचर में होता है और ना ही पास्ट में। इस पल में जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसी को कहा जाता है मेडिटेशन। इस पल का अनुभव ही मेडिटेशन है। पूरी तरह से अपने सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। And just be relaxed. Total relax. Very relaxed. इस मेडिटेशन से आपको मदद मिलेगी, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड सही तरीके से रखने के लिए। इस दुनिया में दोस्तों बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आपको कहीं ना कहीं मदद हो रही है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तीन लंबी और गहरी सांसें लेना है आपको और सांसों को बाहर निकालते हुए मन ही मन रिलैक्स शब्द बोलना है। टोटल रिलैक्स।
आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे है। आज हमें ग्रैटिट्यूड करना है इस मेडिटेशन में। सबसे पहले दोस्तों, आपको इतनी सुंदर आंखें मिली हैं, जिस वजह से आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। मन ही मन इमेजिन करना है दोस्तों कि अगर आपकी आंखें ही ना होती तो क्या होता। न जाने हमें कितने लोगों का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि हम कुछ देख ही नहीं पाते। और भी हमारे साथ क्या क्या होता, जस्ट इमेजिन। आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन हमें इतनी प्यारी आंखें मिली है। मैं चाहूंगी दोस्तों कि दिल से अपनी आंखों को धन्यवाद दीजिए। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर आईज। अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को सहलाना है और मन ही मन कहिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। एकदम प्यार से कहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतनी प्यारी आंखें देने के लिए। अपनी आंखों को महसूस करें, अपनी आंखों की पलकों को महसूस करें। सो ब्यूटीफुल। अगर आपके आंखों के ऊपर आईब्रोज नहीं होते तो आप कैसे दिखते, तो उसे भी सहलाते हुए जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर आईज एंड आईब्रोज। मन ही मन आप अपने आंखों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कहिए। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है और अपने चेहरे पर स्माइल लाइए दोस्तों, क्योंकि इतनी प्यारी आंखें आपको मिले हैं। मन ही मन अपने कानों के बारे में सोचे दोस्तों। आपके ईयर्स कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके कान ही ना होते या फिर आपको सुनाई ही नहीं देता, तो फिर आप ये मेडिटेशन कैसे कर पाते। आप हर रोज मुझे सुनते हैं, अपने फैमिलीज को सुनते हैं, अपने डियर वंस की आवाज सुनते हैं, लेकिन सोचिए दोस्तों कि आपके कान ही नहीं हैं, तो क्या आप किसी को सुन पाते। नहीं सुन पाते। मैं चाहूंगी कि अपने कानों के लिए धन्यवाद दीजिए, उसे भी टच करते हुए उसके लिए ग्रेटफुल रहिए दोस्तों। सो ब्यूटीफुल। फील कीजिए दोस्तों कि आपके कान आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वेरी नाइस। अपने नाक को टच कीजिए, नोज को, और मन ही मन उसके लिए धन्यवाद दीजिए कि आप उससे सांस ले पाते हैं। अगर आपकी नोज ही नहीं होती तो क्या होता, आप जिंदा ही नहीं होते। तो इतनी प्यारी नोज आपको मिले हैं, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अपने बालों को टच करना है और अपने बालों के लिए, अपने हेयर्स के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। सो ब्यूटीफुल। कितने प्यारे हमें हेयर्स मिले हैं। आपके जैसे भी हेयर्स हैं दोस्तों, उसे प्यार कीजिए।
अपने गालों को टच करें जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं, और कितने प्यारे गाल आपको मिले हुए हैं, वाओ सो क्यूट, कभी हमने अपने आप से प्यार ही नहीं किया, तो अपने आप से प्यार करें, अपने लिप्स को टच करें दोस्तों, इतने प्यारे लिप्स हमें मिले हैं, अपने गले को टच करें, आपका नेक, इसी से तो आपके अंदर खाना जाता है दोस्तों, मन ही मन कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपने दोनों हाथों के बारे में ग्रेटफुल रहना है, आपके दोनों हाथ दोस्तों कितने महत्वपूर्ण हैं, सोचिए जरा अगर आपके पास हाथ ही नहीं होते तो क्या करते, आप अपने हाथों से चैटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई चीज उठा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स दोस्तों। एक लंबी और गहरी सांसें लेना है और अपने हाथों के लिए धन्यवाद कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने दिल के लिए धन्यवाद देना है दोस्तों, दिल पे हाथ रखकर मन ही मन सोचिए जरा कि कितना प्यारा दिल है आपका, इस दिल के अंदर दोस्तों बहुत सारा प्यार है, और इस मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में जुड़कर बस यह प्यार बाहर निकल रहा है, और आप अपने आप से कई गुना ज्यादा प्रेम कर पा रहे हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन्स और आपके पेट के लिए धन्यवाद देना है दोस्तों, अपने पेट को सहलाइए, इस पेट की वजह से दोस्तों आपका शरीर सही सलामत है, आप जो भी खाते हैं जरा सोचिए कि आपका पेट कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है जो सारी चीजें डाइजेस्ट कर लेता है, वाओ सो ब्यूटीफुल, आपके पेट के लिए धन्यवाद दीजिए। यस, आपके पैरों के लिए धन्यवाद दीजिए दोस्तों, आपके पैरों के जो पंजे हैं उसे टच करते हुए कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो ब्यूटीफुल, एक एक उंगली को टच करना है दोस्तों, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल, अपने आप के लिए फीलिंग्स महसूस करना इस दुनिया की सबसे पावरफुल फीलिंग्स में से एक है। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। तीन लंबी और गहरी सांसें लेना है, और लास्ट में आप अपने शरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कहिए, अपने आप से कहिए आप जो भी अपने शरीर के बारे में कहना चाहे, जस्ट बी ग्रेटफुल। अपने दोनों हाथों को जोड़ना है और दोस्तों ग्रेटफुल रहिए, इस खुदा को इस कुदरत को जिस भी शक्ति में आप मानते हैं उन्हें कहिए धन्यवाद, मुझे इतना प्यारा शरीर मिला है, क्योंकि दोस्तों ये शरीर आपको एक गिफ्ट के रूप में मिला है। यस, लास्ट में कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए दोस्तों, जोर से रब करना है, पूरी तरह से गर्म हो जाए आपके हाथ ऐसे आपको रब करना है,
अपने आंखों पर लगाइए, अपने पूरे शरीर में उस एनर्जी को फ्लो कीजिए और धीरे से आपको अपनी आंखों को खोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो वंस अगेन ग्रेट मॉर्निंग, बढ़िया नींद हो गई आप लोगों के। चलिए डायरी निकालना है, इस मेडिटेशन में आपको क्या क्या अच्छा फील हुआ और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं वो आपको लिखना है। थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, ठीक है? लिखिए कैसा लग रहा है आपको, कैसा अनुभव रहा आपका। आप में से कोई अगर शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं या फिर आप लिखिए। यस निष्ठा, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हेलो, ओके, पूजा राठौड़, यस गुड इवनिंग मैम। यस यस गुड इवनिंग, बताइए। बहुत बेहतरीन फीलिंग्स था आज, मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारी बॉडी अनमोल, मतलब आज तक हम लोग ध्यान ही नहीं दिए अपनी बॉडी के ऊपर और आज इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग, मेरा फेस इतना अच्छा है, मेरा नाक, मेरा मुंह, गला, हाथ पैर, मतलब पहली बार हम फील किए कि इतना अच्छा बॉडी है हमारा, आज तक मतलब फील ही नहीं किए थे और ये जो बॉडी मिला अनमोल है, ये मेरे को आज फील हुआ। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया, आप पहले से ही अटेंड कर रहे हैं सेशन, पूरे अटेंड कर रहे हैं आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी के? जी मैम, एक आध दो दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए नहीं कर पाई थी, बाकी डेली। चलिए बहुत बढ़िया, अभी आप लिखिए कि क्या क्या आपको फील हो रहा है। ओके, यस मैम, थैंक यू। यस सकीना जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, वहां से बोलिए आप। मैम आज का जो आपने मेडिटेशन करा है मैम, ऐसा फील हुआ, मतलब आज तक अपने बॉडी को कभी ऐसा महसूस नहीं किया मैंने, इतना ग्रेटफुल महसूस हुआ एक एक बॉडी पार्ट के लिए जो हमारे लिए काम करते हैं। आपने एक मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन कराया कि हमारी बॉडी कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। यस गुड इवनिंग, बोलिए। और मेरे को आज बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं सेल्फ रियलाइजेशन कर रही हूँ, मैं को ऐसा लगा कि पहली बार मैंने खुद की केयर की है। ओके वेरी गुड, मजा आया आपको? ऑल राइट ऑल राइट, चलिए बाकी लोग लिखिए। यस श्लोक बोलेंगे आप? यस मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा, मतलब जो मेडिटेशन करवाया बहुत अच्छा था, जिसके अंदर हम लोग ने अपने बॉडी के बारे में जाना। हम लोग इतने दिनों से कभी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ काम, वर्क फ्रॉम होम और बहुत कुछ। तो आज हम लोग ने बॉडी के बारे में जो मेडिटेशन किया, हर एक पार्ट को हम लोग ने महसूस किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज मेरा फर्स्ट टाइम सक्षम अवचार करके फ्रेंड आया है, मेरे को खुशी हो रही है कि कोई तो भी मैंने इनवाइट किया, क्योंकि मैं स्टेटस में भी डालता था और बहुत लोगों को बुलाता भी था, बट कोई आता नहीं था, बट फर्स्ट टाइम उसने वो आया है, तो लास्ट में उसको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल देना। ओके थैंक यू। यस अंकिता बोलिए। यस मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये फीलिंग, फर्स्ट टाइम मतलब लिया है कि खुद को भी, मतलब कितना अपन बॉडी के तरफ सिर्फ मटकने में ध्यान देते हैं कि अपन को कैसे मेकअप करना है, कैसे क्या करना है क्या, बट आज पहली बार ये फील किया कि अपन सब कितने ब्लेस्ड है कि सभी पूरे बॉडी पार्ट्स अपने सुरक्षित है और अपन सब मतलब अच्छे से रह पा रहे हैं, और आज फीलिंग किया ये चीज का थैंक यू बोल के। और मैम मैं एक चीज बोलना चाहती थी, मुझे एक चीज ओवरकम करनी थी, उसी के लिए मेन पर्पस मेरा यही था कि मैंने ये क्लास ज्वाइन करी। मुझे ना ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, ये चीज बहुत कम करनी है।
ओके मतलब मैं छोटी छोटी चीज भी बहुत सोचने लग जाती, यार ऐसा क्यों बोली मैंने, ऐसा नहीं बोला, और रिग्रेट फील करना, जो कि मैं अभी रिग्रेट फील करना बहुत कम, मैंने मेरे इतने लंबे बाल थे मैम एंड मैंने देखे 2 दिन पहले हार्डली इतने करवाई एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये चीज का. ओके तो ये चीज मुझे मेरी इम्प्रूव हुई है कि मेरा रिग्रेट फील करना कम हुआ है, तो वैसे ही सेम मुझे मेरा जो ओवर थिंकिंग है वो कम करना है, तो मुझे उसी आपकी हेल्प चाहिए थी. डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू. बाकी सब अच्छा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा कम समय है. दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज लेकर आई हूँ. कितने लोग जानना चाहेंगे ग्रेट न्यूज? हाउ मेनी? कितने लोग हैंड रेस करेंगे? फैंटास्टिक. दोस्तों ग्रेट न्यूज ये है कि कल हम एक बहुत ही बढ़िया सा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखने जा रहे हैं. ठीक है, फैमिली सेलिब्रेशन डे हम कल रखने जा रहे हैं. कल फ्राइडे का दिन है. यहाँ पे जितने भी न्यू लोग हैं जो हमारे मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. ऑलराइट दोस्तों, तो अगर आप कल का प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो आपको चैट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा. ठीक है, आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है, अभी अभी जो आपको लिंक मिला है. ठीक है, देख लीजिए आप चैट बॉक्स में, उसमें फटाफट से जाके ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कल सवेरे जो हमारा सेशन होने वाला है फैमिली सेलिब्रेशन डे का, उसका आपको जूम लिंक मिल पाए. ठीक है, जितने भी लोग मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में है उनको जरूरत नहीं है ये लिंक पर जाने की, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा, है ना. ये सिर्फ नए लोगों के लिए लिंक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है ताकि आप भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सके और आपको भी हम एक मौका दे कि हम लोग एग्जैक्टली करवाते क्या है. ओके सो दोस्तों, कल आपको क्या क्या लाना है, इसके क्या क्या प्रोसेस होगी, ये सब आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, लिंक भी आपको मिल जाएगा. बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने फैमिली के साथ उस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, है ना. आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, राइट, आपके ब्रदर सिस्टर, ऑलमोस्ट लोग जितना हो सके अपने फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए. अभी भी जिसने ज्वाइन नहीं किया है, फिर से लिंक आपको मिल गया है. इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक में जाना है और ज्वाइन करना है ग्रुप को, वहीं पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी. दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अमेजिंग डे रहने वाला है. कल हम सभी मिलकर काफी एंजॉय करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाने वाली हूँ जिससे आप अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हैं. एक परिवार जो होता है उसका महत्व क्या होता है हमारे जिंदगी में. ऐसा कहा जाता है कि हमारा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन परिवार से कितना भी झगड़ा हो जाए वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहता है, बट फिर भी हम बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं झगड़ा करने में, राइट. तो ये सारी चीजें आपको समझ आएगी. दोस्तों आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनके रिलेशंस अच्छे नहीं है, बेकार हो चुके हैं, तो जिनके साथ रिलेशन बिगड़ा हुआ है उनको भी बोलिए, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो आएंगे, ज्वाइन होंगे, उनको भी लिंक भेजिए आप और वो भी हमारे साथ जुड़कर ये फैमिली प्रोग्राम अगर अटेंड करते हैं तो होप सो आपके रिलेशन काफी अच्छे हो सकते हैं, राइट. मैं गारंटी नहीं दूंगी बट मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ. कल आप लोगों को भी देना है. ओके एक चीज है, आप लोगों को कल व्हाइट क्लॉथ वेयर करना है और कुछ चीजें आपको लानी होगी क्योंकि कल हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जमाना सीखेंगे, कुछ ऐसे प्रोसेस करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा. ऑलराइट, फैमिली डे इसीलिए रखा गया है दोस्तों क्योंकि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका जो रिश्ता है उसे आप मधुर बना सके और आप अपनी फैमिली को एंजॉय कर सके. बस यही मकसद है इस प्रोग्राम का. मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करें. कितने लोग तैयार हैं, रेडी हैं, लिखेंगे आर? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोग रेडी हैं कल बेहतरीन तरीके से तैयार होकर आने के लिए? श्लोक है, निसर्ग, यस, आकाश, बबीता, देवानंद, फैंटास्टिक, काफी सारे लोग. और जो पहली बार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको भी बोलना चाहूंगी जल्दी से लिंक में जाइए, ज्वाइन कीजिए और प्रॉपर तरीके से कल का हम सेशन को अटेंड करते हैं. बहुत ही शानदार है, राइट. अभी इसके बाद और भी सेशन बाकी है आज का, मैं आपको बताती हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको ग्रुप का जो लिंक है वो बीच बीच में मिलता जाएगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिएगा. नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी स्टेप्स टू नरिश योर सेल्फ. ध्यान दीजिएगा,
आप अपने आप को अगर नरिश करना चाहते हैं, आप अपने आप की केयर करना चाहते हैं, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना होगा, जो मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ वही आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला स्टेप ये है दोस्तों कि आपको सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में समझना होगा। सेल्फ एम्पावरमेंट क्या होता है समझाती हूँ। इट्स अबाउट बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, मतलब कि आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा कि आप अपनी केयर कर सकते हैं और आपको अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट महसूस करना होगा। फिर चाहे आपको कुछ आए या ना आए, बट यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट सेल्फ, मतलब कि जो भी चीज आप करना चाहते हैं उसमें आपको आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, तब जाके आप अपने केयर कर पाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको बताना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सेल्फ लव। यस दोस्तों, सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लव योर लाइफ के हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, पेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो वर्कशॉप्स होते हैं। जैसे ये COVID-19 खत्म होता है तो हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोग उसमें आएंगे, हम सभी लोग मिलेंगे। बट अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसमें मैं आपको बताती हूँ सेल्फ लव का मतलब क्या होता है। इच स्टार्ट इच डे बाय टेलिंग योरसेल्फ समथिंग रियली पॉजिटिव, मतलब कि दोस्तों जब आप सुबह उठते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप अपने आप को सजेशंस क्या दे रहे हैं, दैट मैटर्स अलॉट। आप अपने आप के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यस और नो। तो आपको अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करने बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह की शुरुआत ही निगेटिविटी के साथ कर रहे हैं तो पूरा दिन आपका निगेटिव जाना ही है, आई एम श्योर, राइट। तो आपको अगर सेल्फ लव करना है तो सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है दोस्तों आपको पॉजिटिविटी के साथ करनी होगी। अब पॉजिटिविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही आप उठे आपको अपने आप के बारे में कुछ अच्छा सोचना है, राइट। तो अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करवा रही हूँ, आप लोगों को क्या करना है बताती हूँ। जहां कहीं पर भी है आप सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे, यस स्ट्रेट बैठ जाएंगे, और अभी मैं आपको कुछ समय दूंगी, उस समय में आपको लाउडली मतलब कि जोर जोर से बोलकर अपने आप के बारे में बहुत अच्छा बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस निशा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम लगातार आगे बढ़ते जा रही हो, निशा तुम्हारी स्माइल के बारे में तो मैं क्या कहूँ, लाजवाब है। तो इस तरह से आपको अपना नाम लेना है और नाम के साथ खुद के बारे में पॉजिटिविटी बोलना है एक्टिंग करते हुए, जैसे मैंने अभी आपको करवा के बताया, राइट। मैं चाहूंगी कि कैमरेज को आप ऑन कर लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, नहीं करते हैं तो अभी कीजिए, राइट। आपको एकदम एक्टिंग के साथ, हो सके तो आप खड़े हो जाइए, बहुत मजा आएगा, राइट। खड़े होकर अगर आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर म्यूजिक लगाऊंगी और आपको अपना नाम लेते हुए अपने आप के बारे में पॉजिटिव बोलना है। यस निशा ऑसम, यू आर डूइंग बेस्ट, यस सुपर एक्साइटेड, क्या लगती हो यार तुम, ऐसे कुछ भी अपने आप के बारे में पॉजिटिव, ठीक है। जब तक मैं स्टॉप ना कहूं आपको स्टॉप नहीं लेना है, बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है, बिल्कुल भी यहाँ देखना नहीं है स्क्रीन पर, आपको अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बोलिए। और भी एनर्जी के साथ कीजिए दोस्तों, यस स्माइल के साथ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, और भी अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। Are you ready?
एवरीबॉडी कम ऑन. रुकना नहीं है, कीजिए एवरीबॉडी. यस रुकना नहीं है, करिए करिए, वेरी गुड. और भी बोलिए एनर्जी के साथ, एकदम हाई फाइव दीजिए. यस वेरी गुड वेरी गुड. जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए, जोरदार तालियां. फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया किया आप लोगों ने, सुपर्ब, मजा आ गया. कितने लोगों को मजा आ रहा है? हाउ मेनी? यस, कितने लोग? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, जोरदार तालियां बजाएंगे दोस्तों, जोरदार तालियां. सो अभी हमारा सेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ पॉइंट्स बाकी है, मैं आपको बताती हूँ, उसे आपको लिखना है. ये जो एक्टिविटी अभी मैंने आपको करवाई दोस्तों, ये आपको ना करते रहना होगा, तब जाके आप अपने केयर बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे. जब भी आपके जिंदगी में कोई भी निगेटिव सिचुएशन आई, तब तब आपको बोलना है कि यार निशा, तेरे लाइफ में पता है क्यों आई है? क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग है. इस तरह से आपको अपना नाम लेकर अपने आप से बात करना है दोस्तों. तो इससे होगा ये कि आप अपने लाइफ से प्यार करना सीखेंगे और आप कभी निगेटिव रह ही नहीं सकते, है ना. तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सेल्फ लव का सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे अभी आपने किया, ऐसे अगर आप मॉर्निंग में उठते बराबर करते हैं तो दैट विल बी अमेजिंग, राइट. देन उसके बाद आपको क्या करना है सेल्फ केयर के लिए, फिल योर बॉडी, ध्यान से सुनिए, फिल योर बॉडी विद फूड एंड ड्रिंक दैट नरिशेस इट एंड मेक्स इट थ्राइव. मतलब कि आपको ऐसी ऐसी चीजें खाना होगा दोस्तों जिससे आपको खुशी मिलती है. मैं वड़ा पाव की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशियस फूड, है ना. नहीं तो सभी लोग खुश हो गए होंगे कि बढ़िया, चलो पानी पूरी खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं. नो नो, आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना होगा. फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस खा सकते हैं, राइट, जूस पी सकते हैं. तो ऐसे कुछ आपको खाना होगा जिससे आपके बॉडी को फील गुड फैक्टर आए, ठीक है. और वाटर इनटेक आपको बढ़ाना होगा, इससे भी आप अपने आप में बेस्ट फील कर पाएंगे और आप अपने आप की केयर कर पाएंगे. देन थर्ड पॉइंट इज सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लव एंड एनकरेज यू. मतलब कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा दोस्तों जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा मोटिवेट करता है. मोटिवेट इन द सेंस वो बोलते हैं कि यार तू बस बता तुझे क्या करना है, मैं तेरे साथ हूँ, राइट. तो सेल्फ लव अगर आप करना चाहते हैं तो दीज आर सम पॉइंट्स यू कैन डू दिस, ओके. सबसे पहले मॉर्निंग में उठते बराबर आप पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है. दूसरा, आपको खाने की चीजें थोड़ी न्यूट्रिशियस बेस्ड लेनी है और पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है. तीसरा, आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है दोस्तों जो आपको एनकरेज करते हो, राइट दोस्तों. देन थर्ड पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूज योर एटीट्यूड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. चूज योर एटीट्यूड मतलब कि दोस्तों आपको सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो हर दिन आपको पता है आप अपना एटीट्यूड चूज करते हैं. अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए, हमेशा हर दिन हर इंसान अपना नजरिया चेंज करता है. वो नजरिया पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. तो आपको जैसे ही आप सुबह उठे तो आपको अपना पॉजिटिव नजरिया चूज करना है. आपको जो मैं ये एक्टिविटी करवाती हूँ ना हाई फाइव करने की, इससे आप नजरिया चूज करते हैं. अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो इससे ये शो हो रहा है कि यू आर वेरी एक्साइटेड पर्सनालिटी. आज दिन भर में आप बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक रहने वाले हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी फॉर योर टुडेज लाइफ, ओके. तो आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें करना होगा जिससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बने रहे.
राइट आप में से जितने लोग मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में आते हैं मंडे टू फ्राइडे 6 बजे से 7 बजे तक, आपको पता होगा कि मैं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी करवाते रहती हूँ और मैसेजेस देते रहती हूँ, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करवाती हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, आप मॉर्निंग के समय पर ही अपना एटीट्यूड को चूज कर रहे हैं, राइट। और आप सभी लोगों को, जितने भी लोग कम्युनिटी में है, आप सभी लोगों को मैंने बुक्स पढ़ने के लिए कहा है, राइट। क्यों? क्योंकि जब हम बुक रीड करते हैं किसी भी तरह के पॉजिटिव बुक, उससे हम अपने पूरे दिन का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसे हम चूज करते हैं। और कोई भी बुक आप पढ़ो, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही आप चूज कर पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीखोगे जिससे आपका दिन बहुत ही बेहतरीन जा सकता है, राइट दोस्तों। तो ये कुछ चीजें आज मैंने आपको सिखाई है, होप सो आपको बहुत फायदा हुआ होगा। बट इससे आपको रोजाना लाइफ में तभी फायदा होगा जब मैंने आपको जो भी चीजें बताई है वो सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। सबसे पहला बताया था सेल्फ एम्पावरमेंट, देन सेकेंड सेल्फ लव, कुछ एक्टिविटीज भी हमने की, एंड देन चूज योर एटीट्यूड। ये तीन चीज भी अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आप अपने आप की बहुत बेहतर तरीके से टेक केयर कर पाएंगे। अब ये जो सेल्फ केयर का टॉपिक है, ये मैं 2 दिन का फुल डे वर्कशॉप ले सकती हूँ, मॉर्निंग 8 बजे से लेकर तो इवनिंग 8 बजे तक, फिर अगेन मॉर्निंग 8 बजे से लेकर तो इवनिंग 8 बजे तक। इतने सारे कॉन्टेंट है दिमाग में, बट 1 घंटे में जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपको बताया। आई होप सो आपको पसंद आया होगा, राइट। फिर से एक बार बता देती हूँ ग्रेट न्यूज, कल आप सभी लोगों को फैमिली सेलिब्रेशन डे में पक्के से आना है, एकदम एक्साइटेड होकर। और इसका एक रूल मैं बताना भूल गई, और वो ये है कि आपको नहा धोकर आना है ना, पूरी तैयारी के साथ आपको आना है। और यहाँ ये जो पिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या लाना है, जैसे कि तांबे का लोटा है, थोड़े से गेहूं, पानी की बोतल, कटोरी, दिया, बाती, जो भी लिखा है, ये सारी चीजें आपको रखना है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम सभी लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे। पूरी तरह से तैयार रहिए, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि कल दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, राइट। यस, किसका म्यूट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, फैंटास्टिक। किसी को बात करनी है तो अभी 5 to 10 minutes मैं इसे ऑन रख रही हूँ, आप बात कर सकते हैं, कोई सवाल या फिर प्रोग्राम आपको प्रमोट करना है बताइए, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। हेलो निशा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। राइट राइट, सो ओके, मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, जस्ट वेट मिनट। यस यस, स्पॉटलाइट में डाल सकते हैं। राइट, ग्रेट। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल मास्टरी का वर्कशॉप, राइट, कैसा लगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को, एक शब्द में बता सकते हैं आप मुझे, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए एक और ग्रेट न्यूज मैं देने वाला हूँ। कम ऑन, एक शब्द में बताइए कि कैसा लग रहा है निशा, जो आप लोगों के लिए सेशन लेकर आ रही है, जितने लोग डेली अटेंड कर रहे हैं, कम ऑन फास्ट 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 टाइप करिए। कोई बोल रहे हैं ग्रेट, कोई बोल रहे हैं माइंड ब्लोइंग, कोई बोल रहे हैं अमेजिंग, ऑसम, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं, अनोखा ब्रेन का पर्पज ही है कि आप लोगों के लाइफ में नया नया वैल्यू एडिशन करे। और आप में से जितने लोग कल आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जितने लोग आने वाले हैं, हमारा हेल्थ खजाना करके एक प्रोग्राम चलता था, बड़े हॉल में हम लोग लेते थे नागपुर में ही, करीब करीब 100-150 लोग रोज आते थे वहां पर, राइट। और वहां पर अलग अलग प्रयोग कराए जाते थे, निशा मेडिटेशन बताते थे वहां पर, मैं उनको दिए का प्रयोग एंड ऑल। कल आपको ऐसे प्रयोग करवाने वाले हैं निशा, जिससे आप एनर्जी के साथ, यस, कॉस्मिक एनर्जी, मतलब ये जो कुदरत है, ये नेचर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं आप लोग, राइट। तो रियली बता रहा हूं, कितने लोग आने वाले हैं, कम ऑन टाइप करेंगे आए। और आप में से जितने लोग, एटलीस्ट 2 लोग 5 लोगों को लेकर आने वाले, अपना नंबर भी टाइप करेंगे कि मैं कल के प्रोग्राम में 2 लोगों को या 5 लोगों को, कुछ लोग 10 लोगों को लेकर आएंगे, तो टाइप करेंगे आए प्लस 5 people 10 people 2 people, एटलीस्ट मिनिमम यार 2 लोगों को तो आप ला ही सकते हो। कम ऑन टाइप करेंगे जिसे हमें पता चल पाए, कम ऑन फास्ट। दैट्स ग्रेट। काफी सारे लोग लिख रहे हैं, कोई 2 लोग, कोई 5 लोग, कोई 15 लोग, कोई 2-3 लोग, दैट्स ग्रेट। देखिए दोस्तों, ये नेचर का काम क्या है, इस चीज को समझे, नेचर का काम है देना, और हम लोग भी नेचर का पार्ट है। निशा क्या कर रहे हैं, आपको रोज कुछ ना कुछ नया नया चीज दे रहे हैं,
और उसका कोई चार्ज भी नहीं कर रहे, और कल का भी हमने पहले सोचा था कि यार चलो मैजिकल मॉर्निंग के लिए रखते हैं, फिर मैजिकल मॉर्निंग के साथ साथ हमने VSM के लिए रखा, फिर अभी हम लोगों ने आप लोगों के लिए रख लिया, और सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं आपके फैमिलीज के लिए भी, राइट? सो दैट इज अ ग्रेट डिसीजन। आप में से निशा का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा लगता होगा, जो कॉन्टेंट वो डेवलप करती है रोजाना नए नए तरीके से जो आपको सिखाती है, राइट? उसका वीडियो मेकिंग स्किल्स भी आपने देखा होगा। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है कि मैं ट्रेनर बनूं, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है कि मेरे खुद के वीडियोज रहे, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी इच्छा है कि मुझे भी आने वाले समय में निशा जैसा काम कर रही है, अनोखा ब्रेन जैसा काम कर रहा है, वैसा अगर आपके अंदर भी इच्छा है, कितने लोगों की इच्छा है कि मुझे भी बोलना सीखना है, मुझे भी कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, मुझे भी पावरफुल वीडियोज बनाना सीखना है, टाइप करेंगे, कम ऑन, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, राइट? क्योंकि ये इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रही है, वीडियो बनाने की इंडस्ट्री। निशा के बारे में आपको कहां से पता चला? वीडियो देखा आपने। मेरे बारे में कहां से पता चला? वीडियो देखा आपने, राइट? तो ये इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। संडे के दिन 3 घंटे का वर्कशॉप अनोखा ब्रेन लेकर आ रहा है। कितने लोग आना चाहेंगे? 3 घंटे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि पावरफुल वीडियोज बनाने का क्या साइकोलॉजी होता है। 3 घंटे में आपको मैं बताऊंगा ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, अपना खुद का पर्सनल ब्रांड के बारे में, कम्युनिकेशन, निशा जिस तरीके से कम्युनिकेट करती है, जो वेबिनार्स लेती है, इस सारे के पीछे अलग अलग कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है, राइट? तो कितने लोग आना चाहेंगे, कम ऑन, बताएंगे मुझे कि मुझे सीखना है, कम ऑन, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। तो निशा आप बताइए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्या इन लोगों को इनवाइट करना चाहिए? यस डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी फायदा होना चाहिए, बिकॉज काफी सारे लोग जो है वो 1st of September से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट? और मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स भी आ रहा है। कुछ लोग मुझे पर्सनली भी मैसेजेस किए थे कि मैम हमारी लाइफ सचमुच ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दीपक कि हमें सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, राइट? सो आप सारे लोगों के लिए ग्रेट न्यूज है, आज तक ये प्रोग्राम जो है करीब हम एक सेशन का, तीन घंटे का सेशन का 300 रुपीज से 500 रुपीज चार्ज करते आ रहे थे, ठीक है? बहुत कंटिन्यूसली एड चलती है हमारी, बहुत सारी प्रोग्राम। 90 मिनट्स का जो एक बेसिक प्रोग्राम होता था वो मेरा फ्री में होता था, ठीक है? लेकिन ये जो 3 घंटे का वर्कशॉप है वो आज तक फ्री में नहीं लिया हुआ है। बट आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज ये है, आप लोग इतना सुनते हैं, आप हमारे कम्युनिटी में है, राइट? आप हमारे लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए मैं तीन घंटे में आपको क्या वैल्यू मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी इच्छा है कि मेरा यूट्यूब चैनल हो, मुझे इंस्टाग्राम पेज बनाना है, फेसबुक पे एक्टिव होना है, मुझे अपने वीडियोस निशा मैम के जैसे पावरफुल बनाना है, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप 3 घंटे में आप ऐसी चीज सीखने वाले हो जो इसके पहले कभी नहीं सीखा। और ये सब सेशन हम लोग हमारे जो वीडियो स्किल्स मास्टरी के कम्युनिटी में जो ऑलरेडी जुड़े हैं उनके लिए रखते आ रहे थे, लेकिन ये संडे के दिन पहली बार ये सेशन आपके लिए 3 घंटे का पावर पैक सेशन, जिसमें काफी डिटेल्ड में वैल्यूज दूंगा आप लोगों को। कितने लोग आना चाहेंगे? 11 बजे सेशन का टाइमिंग है, कम ऑन, टाइप करेंगे, मैं रेडी हूं। बट आपको अकेले नहीं आना है, अगर आप अकेले आना चाहते तो आपके लिए प्रोग्राम नहीं है, मिनिमम 2 लोगों को। कल आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा या फिर रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, जो भी आप ग्रुप में है आप लोगों को, राइट? 3 घंटे का सेशन है, आपको अकेले नहीं आना है, कम से कम 2 लोगों को, 5 लोगों को, जो जितना ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे प्रोग्राम में, आपको हमारे तरफ से कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट्स भी रहने वाली। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूँ, खासतौर से एक हमारा डिजाइन हो रहा है कम्युनिकेशन के रिलेटेड, राइट? सो वो प्रोग्राम भी आपको उसी में मिलने वाला है, राइट? तो कुछ कम्युनिकेशन के ऐसे सिद्धांत होते हैं जो निशा यूज करते हैं, जिससे आपको रिजल्ट आता है, निशा का फ्लुएंसी आपको इतना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि निशा कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ साइकोलॉजी, कुछ टेक्निक्स को यूज करते हैं, इसलिए वो इतना अच्छा बोल पाते हैं, राइट? इसमें आपको मजा आता है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको अपने साथ 2 लोगों को 5 लोगों को जरूर लाना है। संडे के दिन मैं मिलूंगा आपसे 3 घंटे के लिए, 11 बजे शुरू होगा वर्कशॉप, 2 बजे तक चलेगा, बीच में आपको 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, राइट? कोशिश करिए उसके पहले आप नाश्ता वगैरह करके रेडी रहिए। और 3 घंटा जिसने भी ईमानदारी से अटेंड किया, निशा मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड करने वाले, आपको भरपूर वैल्यू मिलने वाली है, भरपूर, राइट?
So, निशा आप क्या बोलना चाहेंगे वर्कशॉप के बारे में? यस यस, मैं तो चाहूंगी कि सारे लोग प्रोग्राम को अटेंड करें, बिकॉज मुझे पता है कि दीपक कितना वैल्यू देते हैं, और स्पेशली आप सोचिए दोस्तों 3 घंटे में वो आपको वीडियो कैसे बनाना और उसके बहुत सारे जो मेन मेन कॉन्टेंट्स होते हैं वो आपको फ्री में मिल रहा है, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को ये प्रोग्राम जरूर से अटेंड करना चाहिए, राइट? एंड आई होप आप सभी लोग अटेंड करेंगे. ओके ओके निशा, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं सारे लोग, हम सभी लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में 6:30 बजे. बिलीव मी निशा, जो एक्टिविटीज करवाने वाली है, तांबे का लोटा, उसके ऊपर रहेगी कटोरी, उसमें रहेगा गेहूं, और उसके ऊपर रहेगा दिया, और उसमें रहेगी वाती घी, और आप रहेंगे व्हाइट कपड़ों में नहा धो के, और इतना बेहतरीन सेशन जो आज के पहले कभी नहीं अटेंड किया. तो चलिए निशा, ऑल द बेस्ट. तो कल मॉर्निंग का आपका टाइम रहेगा 6:30 बजे से 8 या 8:30 बजे तक चलेगा वो, ठीक है? और आपको लॉग इन कर लेना है 6:15 के पहले ही. ओके, पूरी तरह से तैयार रहकर 6:30 बजे शुरू होने वाला है सुबह के समय पर, ठीक है? 8 या 8:15 या 8:30 बजे तक चलेगा. थैंक यू सो मच. अभी हम लोग एंड करते हैं सेशन को, हम सभी लोग मिलते हैं कल, और मैं चाहती हूँ कि फैमिली के साथ आपको कल का प्रोग्राम अटेंड करना है.